मिनी कूपर, मर्सिडीज बेंज C250, निसान वर्सा, होंडा सिविक, निसान सेंट्रा, शेवरलेट इंपाला, निसान अल्टिमा, लेक्सस IS 250, एलेंट्रा, GMC यूकॉन, रेंज ऑटोबायो, लैंड रोवर डिफेंडर, GMC सियारा, शेवरलेट सर्वाडो, मर्सिडीज बेंज C300, टोयोटा कैमरी, मर्सिडीज बेंज E400, एलेंट्रा कैमरी, मैक्सिमा, जगुआर, रोज एंड किया स्पोर्टेज। सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त अलबराक कार्स ऑक्शन में हूँ। आज आपके साथ 24 कार्स की डिटेल शेयर करेंगे जिसमें हर तरह की गाड़ियाँ हैं। चैनल पर अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपकी पसंदीदा कार कौन सी है और पसंदीदा कलर कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अलबुराक कार्स ऑक्शन अलसजा एरिया शारजा में हूँ और ये अल खैबर कार्स ऑक्शन और अल करिया कार्स ऑक्शन और इस तरह से खतुल जज़ीरा कार्स ऑक्शंस के बिल्कुल करीब में हैं। आज आपके साथ 24 कार्स की डिटेल्स शेयर करेंगे, उनकी जो स्टार्टिंग बिड है और इस तरह से उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह से मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो अमेरिकन क्रेश्ड कार्स हैं वो कार्स जो है आप ऑक्शन से ले सकते हैं। यहाँ पे विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। पिछली वीडियो में यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो टर्म्स हैं वो बता चुका हूँ। अभी आगे वीडियो में आपको फिर वो नज़र आएगा जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आप वीडियो पॉज करके वो चेक कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ मिलेंगी। और पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने क्रैश्ड कार्स लेनी है तो सबसे पहले ऑक्शन से पहले आप आएँ, गाड़ी को चेक करें प्रॉपर, इसके जो कंपोनेंट्स हैं मैकेनिकल अगर कोई फॉल्ट है वो चेक करें, अपने साथ कोई मैकेनिक लाएँ ताकि लेने से पहले आपको आइडिया हो कि इसका जो एक्सपेंस है वो कितना आएगा बनाने का। और उसके बाद आप डिविजल और फेसबुक मार्केट प्लेस पर उस गाड़ी की वैल्यू जो है वो चेक करें और उसके बाद जो है आप लेने का डिसीजन लें, क्योंकि आपकी जो कार की प्राइस है वो मार्केट से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है आपको हर किस्म की गाड़ियाँ मिलेंगी, सीडान, स्पोर्ट्स, एसयूवी, लग्जरी, हर कलर में और हर जायके के लोगों के लिए यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप ऐसी गाड़ी लें कि जिसका एक्सीडेंट जो है वो फ्रंट से ना हो और कलर लाइट हो, माइलेज कम हो। ये कुछ प्लस पॉइंट्स है जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं गाड़ी लेने में। ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, आज हम मिनी कूपर, मर्सिडीज़ बेंज, निसान वर्सा, होंडा सिविक और निसान सेंट्रा, शेवरलेट इंपाला और इसी तरह से अल्टिमा, लेक्सस IS 250, एलेंट्रा, यूकॉन, रेंज और लैंड रोवर का जो डिफेंडर है, GMC सियारा, शेवरलेट सर्वाडो, मर्सिडीज़ बेंज C300 जो कि बहुत पॉपुलर कार है उसको कवर करेंगे, टोयोटा कैमरी, मर्सिडीज़ बेंज का E400 जो है उसको कवर करेंगे, इसी तरह से हुंडई एलेंट्रा, टोयोटा कैमरी, निसान मैक्सिमा, जगुआर XF, निसान रोज और किया स्पोर्टेज को कवर करेंगे। चैनल पर अगर आपने ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये है मिनी कूपर 2019, इसका जो स्टार्टिंग बिड है वो 25K है। ये इसका एक्सटीरियर है, कलर इसका बहुत प्यारा कलर है। कुछ गाड़ियाँ जो है यहाँ पे आपको क्लीन टाइटल भी मिलती हैं जिसमें एक्सीडेंट कम होता है। और ये है इसका इंटीरियर, इसके जो एयरबैग्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। और आपने अगर एक्सीडेंट देखना हो कि किस तरह से ये गाड़ी एक्चुअल में इसका एक्सीडेंट कैसा था, तो आप चेसिस नंबर चेक कर के इसका जो एक्सीडेंट है वो भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये जो दूसरी गाड़ी है ये मर्सिडीज़ बेंज C250 है, 2014 मॉडल है। इसकी जो स्टार्टिंग बिट है वो 20K है। और ये है इसका एक्सटीरियर, आप ये देखें इसका जो एक्सटीरियर है, फ्रंट के जो लाइट हैं और इसके अलावा ये आप देखें ये भी क्लीन टाइटल कार लग रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा आप चेसिस नंबर से चेक कर सकते हैं
कि कार का एक्सीडेंट किया था, वो बिल्कुल इसी तरह से क्लीन टाइटल है या इसको बनाई गई है, तो ये सब डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये कार का इंटीरियर आपने ने देखा, ये है इसका एक्सटीरियर। और इसके बाद है निसान वर्सा 2016, इसकी जो स्टार्टिंग बिट है वो 10,000 दरहम है। ये बजट कार में आता है क्योंकि इसका इंजन भी काफ़ी छोटा सा 1.5 है और फ्यूल एफिशिएंट है। अगर आप बचत करना चाहें तो आपके लिए ये गाड़ी सही है। ये है इसका इंटीरियर, इसके जो एयरबैग्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, और ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है इसका इंटीरियर और ये है इसका एक्सटीरियर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। ये है होंडा सिविक 2022 मॉडल, 27,000 इसकी स्टार्टिंग बिड है, 27,000 दरहम। जो हमारे दोस्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री से देख रहे हैं तो वो xe.com पे जाके चेक कर सकते हैं कि उनकी करेंसी, जो कंट्री की करेंसी है उसमें कितना बनता है, वही दरहम को कन्वर्ट करें अपनी करेंसी में xe.com पे। ये इसका एयरबैग जो है ये खुला हुआ है। ये है इसका इंटीरियर और होंडा सिविक 2022, इसकी जो स्टार्टिंग बिट है 27,000 दरहम है। ये है इसके बाद निसान अल्टिमा और ये IS 250 और ये है होंडा सिविक, होंडा अकॉर्ड और ये है सेंट्रा। ये निसान सेंट्रा 2016 मॉडल है। ये स्टार्टिंग बिट इसकी 10,000 दरहम है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स में इसका काउंट होता है, जिस तरह से टोयोटा कोरोला है जो टॉप पे है डेफिनेटली, और इस तरह से निसान सेंट्रा और एलेंट्रा वर्सा, ये जो छोटी गाड़ियां हैं ये फ्यूल एफिशिएंट और बजट वाली गाड़ियां हैं। ये है इसका एक्सटीरियर और इसका ये हैंडल जो है ये टूटा हुआ है। जिस तरह से मैंने कहा अमेरिकन कार जो है मोस्टली वो क्रैश होती हैं, एक्सीडेंट होती हैं, और इसके जो एयरबैग्स है वो सही हैं। तो कलर जो है वाइट कलर सबको पसंद है। इसके बाद जो है ये शेवरलेट टिम्पाला है 2017, इसकी जो स्टार्टिंग बिट है ये 11,500 है। ये है इसका एक्सटीरियर, ये अब जिस तरह से आपको मैं दिखाता हूँ इसका एक्सीडेंट जो है ये अमेरिकन शेवरलेट टिम्पाला है। ये इसका फ्रंट है और आपको अभी मैं इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ। इसके एयरबैग्स जो है ये सही हैं और ये है इसका इंटीरियर, ये है इसका एक्सटीरियर शेवरलेट इम्पाला। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये निसान अल्टिमा है 2018, इसका जो स्टार्टिंग बिड है वो 13,500 से इसकी स्टार्टिंग बिड है। ये अब देख सकते हैं इसका एक्सटीरियर, इसका एक्सीडेंट जो है वो फ्रंट से जो राइट साइड है वहाँ से हुआ है और इस साइड से भी एक्सीडेंट हुआ है। अब कोशिश करें, ये है इसका इंटीरियर, इसके एयरबैग सही है, डैशबोर्ड का एयरबैग भी सही है पैसेंजर का। कोशिश करें कि आप ऐसी गाड़ी लें कि एक साइड से एक्सीडेंट हो, पीछे से या डोर्स वगैरह। इसके बाद जो है ये लेक्सस IS 250 2008, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स में इसका काउंट होता है। इसका जो स्टार्टिंग बिड है ये 3,500 दरहम है। यानी अगर इस पर ग्रीन लाइट है और सिर्फ आप एक ही हैं तो 500 में आप ये ले सकते हैं। ये है इसका इंटीरियर, इसके जो एयरबैग्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, बेज इंटीरियर है। तो कभी कभी गाड़ियों पे जो है वो ग्रीन लाइट होता है तो आप एक ही बिट में ले सकते हैं, लेकिन अगर रेड होगा तो आपको बिट करना पड़ेगा जब तक कि वो ग्रीन नहीं होता। उसके बाद है ये हायुंडई एलेंट्रा 2012 मॉडल, इसके जो स्टार्टिंग बिट है वो 6,500 दरहम है। और ये अब देखें इसका फ्रंट से एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट छोटा लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से मैंने कहा कि आप गाड़ी जो है वो चेक करें, अगर इसका एयरबैग सही है तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए मैकेनिक को साथ लाएं या खुद चेक करें ताकि आपको इसका जो पूरा ख़र्चा है वो पता चले कि कितना खर्चा आएगा। इसके बाद ये है GMC Yukon 2018, इसकी जो स्टार्टिंग बिट है ये 40,000 दरहम है। ये है इसका एक्सटीरियर और इसके बाद जो है वो है रेंज ऑटोबायो 2019, इसकी जो स्टार्टिंग बिट है वो 190,000 दरहम है। और इसके बाद जो है ये देखें इसका एक्सटीरियर,
रेंच ऑटोबायो का, इसके जो एयरबैग्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसके बाद जो है ये लैंड रोवर डिफेंडर 2022 मॉडल है, इसका जो स्टार्टिंग बिट है वो 185,000 दरम है। और इसके बाद जो है आपको दिखाएंगे, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है लेक्सस के और रेंज रोवर के, मर्सिडीज़ के जो एसयूवीज हैं, और ये बाकी जो गाड़ियां हैं बड़ी गाड़ियां, ये रेंज रोवर डिफेंडर उसके बाद, और ये किया का, और ये और रेंज रोवर। यहाँ पे ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं गाड़ी परचेजिंग के, वो सब आपको अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको 360 डिग्री का व्यू, वो 360 तो नहीं 180 तकरीबन आपको व्यू देता हूँ। और ये शाम का वक्त है, ख़ूबसूरत व्यू है। और इसके बाद जो गाड़ी है ये GMC सियारा 2016 मॉडल है, 48,000 इसकी स्टार्टिंग बिड है। इसके बाद जो है शेवरलेट सिल्वराडो 2017 मॉडल है, 20,000 इसकी स्टार्टिंग बिड है। और इसके बाद जो है ये मर्सिडीज़ बेंज C300 2015 मॉडल है, इसकी जो स्टार्टिंग बिट है ये 38,000 है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स में इसका काउंट होता है, ये C300। ये अब देखें, ये है इसका एक्सटीरियर, क्लीन टाइटल लग रहा है, लेकिन आप चेसिस नंबर से चेक कर सकते हैं कि इसका एक्सीडेंट क्या था, इसका इशू क्या था। ये है इसका इंटीरियर और इसके सीट्स, और ये है इसका आपने देखा उसका एक्सटीरियर। अभी एक और C300 वाइट जो है वो आपको दिखाते हैं, ये 2015 है, इसका 42,000 स्टार्टिंग बिड है। और इसके बाद ये आपको टोयोटा कैमरी SE 2023 मॉडल है, ये 67,500 इसकी स्टार्टिंग बिड है। ये भी क्लीन टाइटल है। ये है इसका एक्सटीरियर, और ये अब देखें, या ये इसके बाद जो है ये मर्सिडीज़ बेंज का एक और मॉडल E400 2018 है, और इसका स्टार्टिंग बिट 72,000 दरम है। इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये अब देखें, मिनी कूपर मर्सिडीज़ के और बहुत सारे मॉडल्स आपको भी दिखाते हैं। हायुंडई एलेंट्रा 2020 मॉडल है, और इसका जो स्टार्टिंग बिट है ये 20,000 दरम है। ये है इसका एक्सटीरियर। और उसके बाद आप देखें, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है वो और बहुत सारी गाड़ियाँ, सेंट्रा है, ये जेनेसिस है, और इसके आगे मर्सिडीज़, और इसके आगे SUV, और आपको अभी दिखाते हैं टोयोटा कैमरी 2011 मॉडल, स्टार्टिंग बिट है 12,500 दरहम, और इसके साथ ये क्रिजलर है। और इसके बाद जो है ये निसान सेंट्रा, और बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपको अभी दिखाते हैं निसान मैक्सिमा 2016 मॉडल है ये, इसका जो स्टार्टिंग बिट है ये 23,000 दरम है। ये है इसका एक्सटीरियर। और इसके बाद आपको दिखाते हैं इसके साथ जगुआर XF, ये वाली 2012 मॉडल है, और इसकी जो स्टार्टिंग बिट है ये 12,500 दरम है। इसके बाद ये अब देखें और गाड़ियां हैं, निसान वर्सा है, ये अल्टिमा है, और ये अब देखें कैमरी, और इसके बाद और एक और सेंट्रा, और ये इसके बाद है और अल्टिमा। और अभी आपको दिखाते हैं निसान रोज, जिसको निसान एक्सट्रेल कहते हैं गल्फ रीजन में, 2017 मॉडल है, और इसकी जो स्टार्टिंग बिट है 17,500 है। ये है किया स्पोर्टेज 2017 मॉडल, स्टार्टिंग बिट जो है ये 15,000 दरम है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर SUV में इसका काउंट होता है, ये और निसान रोज। ये आपको नज़र आ रहा है बहुत सारी SUV खड़ी हैं, सीडान खड़ी हैं, और स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं, हर बजट में हैं, हर रंग में है, और मुख्तलिफ कंपनियों के हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पे अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और हमारे सोशल मीडिया पे जो बाकी पेजेस और चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके पसंदीदा कार कौन सी है, पसंदीदा कलर कौन सा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।